और हमीद अंसारी ने क्या किया है, आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिए कि कैसे ईरान के खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर इन्होंने काम किया, कैसे पाकिस्तान को मदद पहुंचाई उपराष्ट्रपति रहते हुए। ये देखिए, पंकज जी उस बारे दो में भी तरह चर्चा के करेंगे, सिग्नल है ना। उस बारे में भी मैं आपसे सवाल मैं तो लूंगा, लेकिन मैं आज तो आपको बता मुख्तार दूं अंसारी का कि आज तो मुख्तार हाँ जी आज तो मुख्तार अंसारी का वक्त है। मैं बता दूं कि जी अतीक अहमद से ज्यादा खतरनाक था ये मुख्तार अंसारी, बिल्कुल, वो भी ज्यादा बड़ा क्रिमिनल था ये। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद वो बहुत साइलेंट थे, उनके घर पर छापेमारी होती थी, रेड होती थी, तो कोई किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया जाता था, ना ही कोई बयान आता था ना उनका ना परिवार का। लेकिन मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि पिछले 1.5 साल में, जो मैंने कहा है कि तकरीबन 8 मुकदमों में मुख्तार अंसारी को सजा हुई है, तो पहली सजा हुई थी मुख्तार अंसारी को 15 दिसंबर 2023 को रूंगटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी मामले में, उसे 5 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना मुख्तार अंसारी पर लगाया गया था। 5 जून 2023 को चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई थी, और 29 अप्रैल 2023 में गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर MPML कोर्ट ने जो है 10 साल के सश्रम कारावास और 5 लाख का जुर्माना भी इन पर लगाया था। उसके बाद 25 फरवरी 2023 को सजा होती है आर्म्स एक्ट में, यहां भी 10 साल की सजा और 5.5 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। उससे पहले 15 दिसंबर 2022 को एक मामले में सजा होती है, इसमें भी गाजीपुर MPML कोर्ट ही फैसला सुनाता है, यहां भी 10 साल का सश्रम कारावास की और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा मिलती है। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने और धमकाने के मामले में सजा सुनाई थी। लखनऊ के आलमबाग में दर्ज केस में धारा 353 के तहत इन पर जो है 2 साल की कैद, 10,000 रुपए का जुर्माना। उससे पहले लखनऊ के हजरतगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट में भी इनके खिलाफ जो है 2 साल की सजा इन्हें सुनाई गई थी। और जो है अवधेश नंद जो है राय हत्याकांड की अगर हम जो है जिक्र करें तो बड़ा चर्चित रहा था अवधेश राय हत्याकांड, पंकज जी, और एक कृष्णानंद रॉय हत्याकांड जी। अब दोनों था, कृष्णानंद रॉय जो थे वो बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, और ये जो अजय राय है ना अभी जो बनारस में मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, अवधेश राय जी जी अजय राय नहीं नहीं ये ब्रजेश राय के भाई जी, ये जो अजय राय अभी हैं जी वो ब्रजेश राय के भाई है, छोटे भाई, और इन्होंने पूरी जिंदगी मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा लड़ा है भाई, बिल्कुल। ये अजय राय ने अपने भाई की हत्या के खिलाफ जो केस लड़ रहे थे यही अजय राय लड़ रहे थे जी। और आज संयोग देखिए, विचित्र संयोग है कि आज वही अजय राय उसी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ रहे हैं, और मजबूरी ऐसी कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ बोल भी नहीं सकते। मतलब यही राजनीति है। मैं बता रहा हूं कि ये जो मुख्तार अंसारी था ये 2 बार आजीवन कारावास की सजा इसे सुनाई गई है इन 8 में से, और ये कोई बहुत बड़ा साधु अच्छा संत पंकज जी था, आप बता रहे थे कि अतीक अहमद है। से ज्यादा खतरनाक मुख्तार अंसारी था, बिल्कुल खतरनाक था, लेकिन बिल्कुल वो खतरनाक। पिछले 18 साल से जेल में बंद था 2005 से। नहीं नहीं 18 साल से जेल में बंद था, जेल के बंद में बंद होने के बावजूद ही इसने सल्तनत चलाई है अपनी, अपराध की सल्तनत जो है जी। और मैं बता दूं इसका जो गैंग है ना वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में तक सीमित नहीं था, पंजाब में जाके ये मर्डर कर चुका है, ये महाराष्ट्र में जाके मुंबई में मर्डर कर चुका है, ये उत्तर प्रदेश में मर्डर कर चुका है, बिहार में ये जाके मर्डर कर चुका है, मतलब कि 16 राज्यों में इसका नेटवर्क काम कर रहा था, इसके शूटर्स थे 16 राज्यों में, सोचिए, और सब अत्याधुनिक हथियारों से लैस। कहा तो ये जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम का जो गैंग था उससे डायरेक्ट इसका कॉन्टेक्ट था। अतीक अहमद का भी बताया जाता था, कहा तो अतीक अहमद का इतने राज्यों में गैंग नहीं चल रहा था जितना मुख्तार अंसारी का चल रहा था। ये तो एशिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल करार दिया गया है ये आदमी। ठीक है आज मर गया, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि एक नंबर का क्रिमिनल था ये हत्यारा, बंदूक से शुरू हुई जिंदगी और कई जेल में। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि एक क्रिमिनल की एवरेज आयु 35 साल, और इसके 40 साल चल गई क्योंकि ज्यादा बड़ा क्रिमिनल था। नहीं बहुत, तो अभी अगर अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से नहीं मरता तो एक जेल बार में साल अफजाल अंसारी को सुनवाते हैं कि अस्पताल से जब वो मिलकर आए थे मुख्तार अंसारी से उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, सुनाइए एक बार अफजाल अंसारी को।
मेरी बात भी हुई है, वो अभी काफी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कितने दिन से जी भैया लीजिए। अब उनके अनुसार 19 तारीख को उन्हें खाने में जहरीला पदार्थ मिला के खिला दिया गया और तभी से वो ये प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। टोपी थे ना तो मालूम। अब वो चरम पर जब पहुंच गया तो कल ये स्थिति थी, शायद लोगों को ये उम्मीद बन गई हो कि अब कहीं भेजने से भी बचना तो है नहीं, लेकिन अभी उनकी हियात है। तो यहाँ कोर्ट में नहीं सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और यहाँ जब पेशी पर वो नहीं, शुभम और इधर लगाओ, तो यहाँ की शुभम ऊपर उठाओ, वकील से उन्होंने बताया था, उसने दिया और उठाओ थोड़ा सा शुभम, देने का जो भी हो सब मिला करके अभी अभी आगे क्या होगा नहीं मालूम। अभी फिर एक बार वह षड्यंत्र असफल है, शायद कोई किसी को ये इंतजार रहा हो कि उनके मौत की खबर आए, तो अभी तो फिलहाल ये टल गया। शुभम बढ़ाओ आगे, तबियत में सुधार है, शुभम आगे बढ़ाओ, वही तबियत में सुधार है। अच्छा आप बताइए, बांदा जेल में एक होमगार्ड भी सस्पेंड होगा तो किसकी वजह से होगा? जेलर तो बड़ी चीज है, दो डिप्टी जेलर उसके साथ और किस बैरिक के। इसी मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी लगभग 40 दिन पहले इसी तरह का मामला आया था, जो खाना चेक करके परोसता था उसको बीमार पड़ा, उसको भी हॉस्पिटलाइज किया गया। एक डिप्टी जेलर भी बुरी तरह से बीमार हुआ, वो भी खाना पकवाने का इंचार्ज था, वो भी मेडिकल कॉलेज तक एडमिट हुआ। नहीं तो क्या इनके साथ अन्य कैदियों के साथ? शुभम आगे बढ़ाओ, आगे अंदर आके। प्रदेश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जेल की व्यवस्था सब हम करते हैं, इसलिए इसके जिम्मेदार हम हैं। आपकी भरोसा है आपको इलाज जो किया कराया जा रहा है उसको, भरोसा यहाँ पर जो इलाज कराया जा रहा है उसको? हमको तो भरोसा ऊपर वाले पे है, हमने हमेशा कहा कि हमारा ये ईमान है कि जब दिन तय हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, तो एक सांस कोई ज्यादा जी नहीं सकता, और जब तक हियात है, जब तक मारने का प्रयास हो सकता है, शैतान शैतानी कर सकता है, लेकिन अपने मंसूबे में सफल नहीं होगा। अभी तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी बनी हुई है? अभी होश में है, अभी होश में है, बोले बतियाए हमसे, हमने कहा ना कि एक बार जो लोग ये मंसूबा बनाए थे, ये उनके जीवन में सातवीं बार ऐसा हुआ है, जब उनकी कहानी का अंत करने के लिए प्रयास हुआ है और असफल हुआ। ये भी कहा जा रहा था कि परिवार के लोग कह रहे थे कि दो चार दिन से मुख्तार अंसारी के हालचाल नहीं मिल पा रहे, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही, आज आपकी मुलाकात हुई, कुछ बात हुई? भाई बोला तो हमने कि आपसे मुलाकात हुई, हॉस्पिटल के बेड पे उनसे बात हुई, क्या हमने उनको देख के संतोष हुआ मुझको, उन्होंने अपनी जो चीजें थी, कठिनाइयां थी, कैसे ये सब कुछ हुआ वो बताया हमको। शुभम हाथ घुसेड़े रहो, क्या कुछ बताया उन्होंने आपसे, क्या बताया उन्होंने? आप संतुष्ट हैं उससे जो तबीयत बताई? अब बहुत सी चीजें हैं जो रखा जाएगा न्यायालय के समक्ष, बहुत सी चीजें हैं जो आपके समक्ष हमने रख दिया। नहीं फिर भी क्या बताया? वही तो मेडिकल ब्रीफिंग जो आ रही है उसको देख के चलिए, उसके हिसाब से कोई खास से मतलब क्या है, किसी का ये आरोप तो है नहीं कि कोई उनको गोली मार दिया। स्टमक प्रॉब्लम है और जहर कहाँ जाता है, जहर का असर कहाँ होता है? आपको लगता है जो स्लो पॉइजन वाली बात आप कर रहे थे उसी वजह से तबीयत बिगड़ी है? हाँ ये पुष्टि हो चुकी है। अच्छा उन्होंने आपसे क्या कहा, मुख्तार भाई क्या कहा आपसे? अब वो उनके अंदर एक हमको देखने के बाद एक ऊर्जा आत्मबल महसूस हुआ, हिम्मत दिला सकते थे एक दूसरे को, क्या कर सकते थे? अच्छा यहाँ हम और क्या कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने कहा होगा ना कि क्या समस्या चल रही है, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, आप चाहे जो दिखा दो, और जो जिन शब्दों से उनको, और ये साबित हो गया सातवीं बार, फिर एक बार उनकी जान बच गई है, कल फिर कोई साजिश होगी, ऐसा नहीं है कि ये अंतिम शब्द। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
जी पंकज जी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रहे जी। मैं कह रहा हूँ एक तरफ तो अफजल अंसारी का कहना है कि उन्हें देखकर संतोष हुआ और दूसरी तरफ जो है कह रहे हैं कि न्यायालय के सामने मामला उठाएंगे, रिपोर्ट जो आई है उनमें सब कुछ आ गया है, जबकि रिपोर्ट सब नॉर्मल थी। नहीं दिक्कत नहीं है, अफजल अंसारी का जो ये बयान है उनकी मौत, वो कह रहे थे अब ठीक है वो बच गए हैं, और फिर अचानक रात में खबर आती है कि उनका निधन हो गया, देहांत हो गया और हार्ट अटैक वजह बताई जाती है। अगर अफजल अंसारी के पास कुछ सबूत है तो वो कोर्ट के पास जाए, वो स्वतंत्र है, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन अफवाह उड़ाकर लोगों को ना भड़काएं। आपको जो अदालती कार्रवाई जो करनी है वो करें, जो आपको सबूत अगर आपके पास है तो वो पेश करें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मुख्तार अंसारी के साथ साजिश हुई है और लोगों सड़कों पे उतरो, तब ये गड़बड़ है। आप लड़िए ना, अगर आपके पास सचमुच आपको लगता है तो इस देश में कानून है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, आप उसके थ्रू जाइए, लेकिन गुंडाई मत कीजिएगा। बिल्कुल, अगर आप, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर कल फ्राइडे है, अगर इस्लाम की ताकत दिखाने की कोशिश की या फिर मुसलमानों एक हो जाओ, मुख्तार अंसारी तुम्हारा ये था, तो इस तरह की बात करके अगर लोगों को उकसाने की कोशिश करेंगे ना, तो गलत है ये। आप जाइए, अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो जाइए ना कोर्ट। नहीं, अगर इस देश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में फोर्स उतारी गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस उतारी गई हैं और तमाम जो है जिलों से सारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है और जो पुलिस बल भी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से पूर्वांचल के पूरे इलाके में, ये फिर गाजी मऊ या फिर जितना भी